नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो डॉक्टर शशि शर्मा सूदन जो थी काफी सुर्खियों में रही, जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी के क्राइम ब्रांच ने उनके दफ्तर और घर पर छापामारी के चलते उन पर केस भी दर्ज किया गया था। पर अब की जो बड़ी खबर आई है, फिलहाल उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो एज ए प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया है और नए जो प्रिंसिपल होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे। डॉक्टर शशि सूदन जो उन पर इल्जाम लगाए गए थे और जिस तरह से क्राइम ब्रांच में भी एफआईआर दर्ज हुई थी, उन पर ये इल्जाम थे कि जब उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री की, उन्होंने एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया और साथ ही साथ जब उन्हें नौकरी हासिल की तो उन्होंने जब नियुक्ति उस समय उन्होंने दूसरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, यानी कहा गया था कि उन्होंने अलग अलग दो दो डॉक्यूमेंट्स यानी इशू किए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो इल्जाम जो उन पर लगे थे जो क्राइम ब्रांच की तरफ से, ये भी उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि जो उन्होंने उनके पास कुछ ऐसे डाको दस्तावेज हैं जो दो दो हैं, यानी एक एक नहीं दो दो हैं, यानी उनके उनके ऊपर ये इल्जाम लगातार लगे थे और यही नजरें गिराए थे कि क्या हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट कब इन्हें रिप्लेस करेगा या इनके इनके किस तरह से इन्हें यहाँ पद से हटाया जाएगा। और कल की अगर दो दिन पहले की बात करें अशोक गुप्ता के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था कि डॉक्टर शशि सूदन को पद से हटाया जाए, पर फिलहाल जो बताना चाहिए ऑफिशियल तौर पर इस तरह का कोई आदेश नहीं है, पर ऑफिशियल अब आदेश ऑर्डर जो आया हमारे पास इस समय ऑर्डर है कि फिलहाल डॉक्टर शशि सूदन जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही और जिन पर इल्जाम भी थे कि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़खानी की है, एक नहीं उनके कई ऐसे डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल जो उनके पास दो दो हैं, उसी के चलते उनके घर और यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो ऑफिस है उनका प्रिंसिपल ऑफिस में भी रेड भी क्राइम ब्रांच की तरफ से गई थी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे उन्होंने बेल एप्लीकेशन भी मूव की थी एंटी करप्शन कोर्ट ने, फिलहाल वो बेल एप्लीकेशन भी पिछले दिनों डिनाई कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। अब बताएंगे आपको कि फिलहाल जो डॉक्टर शशि सूदन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उन्हें ट्रांसफर्ड किया गया और पोस्टेड किया गया एज ए सेक्रेटरी टेक्निकल इन द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। और डॉक्टर आशुतोष प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, फिलहाल उन्हें वो चार्ज संभालेंगे एज ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर। और साथ ही इन एडिशन जो कि अपनी ड्यूटी तो करेंगे फिलहाल एक साल का पीरियड तक वो इसी टिल फर्दर आर्डर तक एक साल तक इस होल्ड चार्ज को होल्ड करेंगे। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है कि डॉक्टर शशि सूदन को फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एज ए प्रिंसिपल पद से हटाया गया और उनकी जगह नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, यानी सुर्खियों में रहने वाली डॉक्टर शशि सूदन की लगातार आपने देखा था किस कदर, उस समय हमें आपको लाइव विजुअल भी बताए थे जो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर क्राइम ब्रांच की तरफ से छापामारी हो रही थी और उनके घर पर भी छापामारी की गई थी और जो रिपोर्ट में सामने आया था जो क्राइम ब्रांच की तरफ से एफआईआर भी उन्हें लॉन्च की गई थी और जो उन पर इल्जाम लगे गए थे कि उन्होंने जब डिग्री एमबीबीएस की थी उस समय भी यानी डेट ऑफ बर्थ कोई और था और जब उन्होंने नौकरी ली उस समय डेट ऑफ बर्थ यानी कि कोई और था, जिस तरह से उन्होंने एक समय में 1965 जिस तरह से बताया गया था जो हम तक खबर आई थी सूत्रों के आधार पर कि उनका बर्थ था 1965 और उसकी जगह उन्होंने 1964 की डेट ऑफ बर्थ दी थी और ये भी कहा गया था जो उस रिपोर्ट में था कि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट उनके पास है जिनकी दो दो डॉक्यूमेंट थे, यानी दो दो डॉक्यूमेंट के माध्यम से उन्होंने जो अपनी नौकरी ली है उसके सामने पेश करके, उसी के चलते ये भी कहा गया था जब उस समय हमने खबर दी थी कि कई ऐसी ऑफिशियल फाइल थी जो ऑफिस में होनी चाहिए थी जो उनके घरों घर पर कागजात दस्तावेज मिले थे, उसी के चलते लगातार सुर्खियों में थी। अब ये देख रहे थे कि अब लगातार प्रदर्शन भी एक दो हुए उनके खिलाफ कि उन्हें जल्द से जल्द इस पद से हटाया जाए, फिलहाल हटाया तो नहीं गया, उन्हें ट्रांसफर और पोस्ट किया गया है और साथ ही साथ उनकी जगह डॉक्टर आशुतोष जो होंगे वो अब नए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। फिलहाल ये जो मामला था काफी तूल पकड़े हुए था जब हमने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अंदर परिसर में जाकर जो आप तक वो खबर लाई थी काफी सुर्खियों में रही थी डॉक्टर शशि सूदन जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल थी, पर यही अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी क्योंकि क्राइम ब्रांच की तरफ से एक केस भी दर्ज किया गया था, उसी के चलते उन्होंने उनकी जो एंटी करप्शन कोर्ट है उनमें अपनी बेल एप्लीकेशन भी मूव की थी, वो बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई थी। पर फिलहाल अभी यही कल दो दिन पहले की बात करें तो शिव थाना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने भी प्रदर्शन किया था इसी को लेकर के प्रिंसिपल गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है उन्हें उनके पद से हटाया जाए क्योंकि उनके ऊपर मामला दर्ज है कि डॉक्यूमेंट के साथ अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ उन्होंने हेराफेरी किया, उन्हें
छेड़खानी किया और गलत दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने नौकरी लिया है और इसी के चलते आज के जो भी खबर है फिलहाल उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पद से हटाया गया। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि जो उन पर इल्जाम लगे हैं और किस हद तक सही है नहीं, फिलहाल अभी तक जांच जारी है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस समय हमारा कुछ कहना सही नहीं रहेगा, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी शशि सुदन शर्मा, उन्हें हटाकर अब नए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता होंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।